प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है, आप ओपन हो अटैक के लिए, शर्मिंदगी के लिए, गिरने के लिए, किसी भी चीज के लिए। शैतान आपके रास्ते ओपन है अगर प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है तो। वही बाप सुरक्षा कर पाता है जो बच्चा उसके कहने पे हो। जो बच्चे कहने से बाहर होते हैं, बाप निकलवा देता अखबार में, मेरा फलाने फलाने के साथ कोई लेना देना नहीं। हाँ, कोई लेन देन करे तो खुद जिम्मेवार है, क्योंकि ये मेरे कहने से बाहर है। आमीन। आप अपने बाप के कहने के अंदर हो के बाहर, ये आपका दिल जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप जानते हो कि आप अपने स्वर्गीय बाप के, प्रभु यीशु मसीह के कहने के अंदर हो या नहीं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में, जब तू के अगर तू, इसका मतलब अगर मैं उपवास वाला क्रिश्चियन नहीं हूं तो मैं रियल क्रिश्चियन नहीं हूं। शैतान को शुगर देनी पड़े, किडनी रोग देना पड़े, वो देगा, कहीं आप उपवास ना रख लो। कुछ भी करेगा वो, कमजोरी देनी पड़े, कुछ देना पड़े, वो आपको देगा ताकि आप रोजा ना रखो। और जिस दिन आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मुझे ये दिक्कत है, मैं दिन रात का उपवास नहीं रख सकती, क्या 5 बजे तक नहीं रख सकती, क्या 2 बजे तक नहीं रख सकती, क्या 12 बजे तक नहीं रख सकती, शुरू तो करो, बंधन टूट जाएंगे, शुरू करो। उसने ये नहीं कहा इफ यू फास्ट, उसने कहा जब तू, ये नहीं कहा अगर तू, उसने कहा जब तू। तो जब तू मतलब ये कमांड है क्रिश्चियन बंदे के लिए, उसके लिए रोजे जरूरी है। मैं जी काम करता बहुत, तो मैं रोजा नहीं रख सकता। ताई काका जो तू काम करन जाना, दे गवाचियां गावां वांगू वजदा फिरदा इधर उधर, तेन पता नहीं लगता करना की है। क्यों क्यों नहीं पता लगता क्यों? जिस तरह खा खा के शरीर मोटा हो जाता ना, चमड़े के टीका नहीं डॉक्टर ला पाते, आत्मावां मोटियां हो गई हैं, टीका नहीं ला पाते दूत। वो चंगाई का टीका लेके आते पर चमड़ी इन्नी मोटी है आत्मिक, वो बेचारे टीके वींगे हो जाते उन्होंने, की करन दूत भी। हां, जब तू, अगर तू नहीं, जब तू, इसका मतलब फास्ट रखना हर बंदे के लिए जरूरी है, और कमांड है ये स्वर्गीय। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जाओ और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। जब तू उपवास करे, जब तू दान दे, उसने ये नहीं कहा अगर तू दान करे, कब मूड कर जाए तेरा, जब पैसे आ जाए, अगर तू फास्ट करे, कहता जब तू फास्ट करे, जब तू प्रेयर करे। इसका मतलब फास्टिंग प्रेयर ये आपकी लाइफ में मस्ट है, आपकी लाइफ में जरूरी है, कोई इसको एक्सक्यूज मी कह के बच नहीं सकता। आमीन। अगर तू उपवास करे नहीं, जब तू उपवास करे तो अपने चेहरे पे उदासी मत ला, खुश रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। यीशु मसीह के मुंह से निकलेगी एक वचन आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, सांस फूका हुआ, जीवन पाया हुआ वचन, अगर अंदर गया तो कुछ होने वाला है। आप डेड फील नहीं करोगे अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने कैरियर में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने घर में, अपनी मैरिड, आप डेड फील नहीं करोगे अगर वर्ड ऑफ गॉड, ये सांस पाया हुआ, अगर पवित्र आत्मा का फूका हुआ वचन आपके अंदर है तो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था तुम मन्ना खाओगे, आसमान से ना मन्ना गिरता था। अब ध्यान से सुनना, वो लिखा वो तेल के बने पुए के समान। अब मशरूम तो है नहीं था वो, आप ऐसा बोल सकते हो। आप एक बात जानते हो, वो नॉन वेज फूड नहीं था, कौन सा था? वेजिटेरियन। हां के ना, 40 साल इसराइलियों ने वो मन्ना खाया, और आप बिलीव करो वो कभी बीमार नहीं हुए, कभी भी उनके पैर नहीं फूले, बाइबल कहती। मन्ना खाके, मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आप सिर्फ मशरूम खाओ तो आप में और चीजों की कमी हो जाएगी, फाइबर की कमी हो जाएगी, चीजों की कमी हो जाएगी,
लेकिन वो मन्ना खा के 40 साल कोई बीमार नहीं था, निर्बल नहीं था, सब मजबूत थे, एक भी निर्बल नहीं था। 20 लाख लोगों में एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं था जिसे उठा के लेके जाना पड़े। ये उसके वर्ड की ताकत है, आमीन। और आज भी अगर आपने परमेश्वर की बात को सुना तो उसमें ताकत है आपको उठाने की, आमीन।